नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ेगा। धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो हर जगह केवल कश्मीर का गाना गाता जा रहा है, लेकिन अब एक बार फिर कश्मीर पर भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने कश्मीर पर अपना भारत विरोधी रुख बदल लिया है। लेबर पार्टी के नए नेता कीयर स्टार्मर ने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। स्टार्मर ने गुरुवार को लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की एक टीम से मुलाकात के बाद कहा, हम एशिया के मुद्दों की वजह से यहां के समुदाय को विभाजित नहीं होने दे सकते हैं। भारत का कोई भी संवैधानिक मुद्दा भारतीय संसद का मुद्दा है और कश्मीर मामले को भारत और पाकिस्तान को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए। दरअसल ब्रिटेन में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोगों की अच्छी तादाद है और दोनों ही समुदाय यहाँ की राजनीति में बड़ी अहमियत रखते हैं। लेबर पार्टी के नवनियुक्त नेता स्टार्मर कश्मीर के मामले में अपने पूर्ववर्ती जेरेमी कॉर्बिन की नीतियों से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले जेरेमी ने कश्मीर में मानवता पर बहुत बड़ा संकट बताते हुए एक आपातकालीन प्रस्ताव पास किया था। इसके चलते ब्रिटेन में 15 लाख आबादी वाले भारतीय समुदाय के बीच जेरेमी की तीखी आलोचना होती थी। तो कश्मीर पर ब्रिटेन के भी सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भारत की कूटनीतिक जीत जरूर है, क्योंकि अब ब्रिटेन का ये कहना है कि ये भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, उनको आपस में ही सुलझाना चाहिए। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।